हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एनएसपी ब्लॉग्स में। तो 3 दिसंबर को जो है ये मेरी बाइक गिर गई थी और ये स्क्रैचेस वगैरह आ गए और एक मेरा साइड का मिरर टूट गया, तो मिरर मैंने हटा दिए। अब जो इसकी करोल बाग से मैंने रैप कराई थी वो खोल के देखते हैं कि वाइज़र पे स्क्रैच है या रैप पे स्क्रैच है। तो चलिए इसको खोलते हैं और बने रहिए इसी वीडियो में। इसी वीडियो में आपको इसको पूरा तैयार करवाएंगे फिर से। तो वाइज़र खोलने के बाद मुझे पता चला कि पूरी टैंकी की रैप कराना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गम छोड़ रही थी। वो देख सकते हैं आप, करोल बाग से बहुत बेकार काम होता है। तो अब इस गम को पूरा साफ़ करेंगे। पहले मैंने करोल बाग से पूरी फुल बॉडी रैप करवाई थी और उन्होंने इतना गंदा काम करा, आप देख सकते हैं पूरी गम छोड़ रखी है इसने और इतनी बेकार टेप है। और इसको हम पेट्रोल से पहले साफ़ करेंगे। तो साफ़ करने में 2 लीटर का पेट्रोल लग गया मेरा, देख सकते हैं आप, पूरी चमका दी उन्होंने। देख सकते हैं आप, ग्लॉस पूरी वैसे आ रखी है। और यहाँ पे काम करोल बाग से सस्ता भी है और अच्छा भी हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये साइड पैनल उतने कितनी गंदी तरीके से गम चिपका रखी है और पूरा पेट्रोल से ये अच्छे से मेहनत करके साफ भी करा है इन्होंने। और ये टैंकी पे पहली जो इस बार मैं स्मोक करवा रहा हूँ पूरी बॉडी, तो ये लगा रहे हैं ESP कस्टम है, ये 50 फुट पर दुकान है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और ये टैंकी पे तो लग गई है, मतलब लगा रहे हैं और साइड पैनल वगैरह साफ़ कर रहे हैं जब तक। और बहुत प्यार से करा है इन्होंने ये सारा काम, बहुत अच्छा इनका हाथ है और कहीं भी ब्लेड वगैरह कुछ नहीं लगेगा। ये साइड पैनल हो रहे हैं और मैंने इसमें ये देखिए 3 लेयर होती है, तो ये अब जब पूरी फिनिशिंग हो जाती है उसके बाद ये ऊपर की पन्नी जो हटती है उसके बाद इसकी ग्लॉस आती है। आप देखना कितनी प्यारी ग्लॉस आएगी और देख सकते हैं आप। और ये जैसे ये 3 लेयर की दूसरी ऊपर वाली पन्नी हटाएंगे तो देखिए शाइन, देखिए कितनी बढ़ गई है इसकी। और ये टेल हमारी हो रही है, ये भी हो रही है और टेल होगी, साइड पैनल हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कितनी ग्लॉस आई है, दूर से चमक आ रही है और पेंट से ज़्यादा चमक आएगी। और इस पर कपड़ा मारने की भी आपको ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा शाइन आ रही है। और देख सकते हैं आप कितनी फेस वगैरह सब कुछ दिख रहा है, टेल भी होगी अपनी, टेल की भी अब करेंगे और ये कटिंग हो रही है टेल की। और आगे में मैं ये पूरी ग्लोसी में ये ब्लैक रैप करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें हल्के से स्क्रैच आ गए थे, वो छुपाने के लिए हल्के से वो पूरी ब्लैक करवा रहा हूँ। और देख सकते हैं इंडिकेटर यहाँ पे स्मोक हो रहे हैं और जो अब यहाँ पे सारा काम हो गया, अब थोड़े स्टिकर वगैरह रह रहे हैं वो लगवाते हैं। और ये वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो ये वाला मैं लगवा रहा हूँ। वैसे ये ट्रेंड तो बहुत पुराना है और ज़्यादातर बुलेट में आपने देखा होगा, पर मेरे को स्प्लेंडर में शौक है तो ये मेरे को बहुत पसंद है, तो अब लगवा रहा हूँ मैं। और इसके बाद देखते हैं, अच्छा लगेगा वैसे, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, साइज़ वाइज़ भी ठीक है इसका। और थोड़ा टेढ़ा करके लगा रहा हूँ, सब बीच में लगाते तो बहुत बढ़िया लगेगा। वैसे इसको रेडियम में लगवा रहा हूँ और शॉकर मैंने गोल्डन करवा लिए। तो बस धीरे धीरे काम चली जा रहा है, इंडिकेटर अपने स्मोक हो चुके हैं, आगे के शॉकर जो है वो गोल्डन हो चुके हैं और ये बाज वाला स्टिकर लग चुका है। अब बस इसकी टेप हटानी है और भी स्टिकर लगवाने हैं और इसके बाद देखते हैं क्या क्या लगवाते हैं, क्या क्या पसंद आता है और क्या क्या लिखा जाता है, जो जो खाली है वो भरा जाएगा। और लुक तो इन्हेंस हो ही गई है इसकी। और ये मैं साइड के जो पिछले शॉकर होते हैं वो भी करवा रहा हूँ, इंडिकेटर स्मोक हो गए, अब मीटर स्मोक हो रहा है और मीटर में ज़्यादा पंगे नहीं लेने। और आगे ये वाला टैटू मेरे को अच्छा लग रहा था तो ये वाला स्टिकर बनवा लिया, आधा आधा करवा दिया। और ये टैंकी पे लिखा जाएगा, खाली खाली जगह जो थी वो भरी भरी जाएगी। और पीछे की टेल जो है वो भी मैंने कुछ सोचा है तो वो भी ब्लैक करके, और उसके बाद ये वाला शेर जो है ये थोड़ा सा साइड में लगाएंगे, सब बीच में लगाते हैं सेंटर में, लेकिन मेरे को हल्का सा साइड में चाहिए। और वो साइड से उन्होंने पूरी रैप कर दी है मैट में और बीच में ये वाला स्टिकर लगेगा, देख सकते हैं आप, अब साइड से रोशनी नहीं आएगी। और आगे नाम तो चाहिए अपने चैनल का, ये तो जाहिर सी बात है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखवाना, वो बहुत बेकार लगता है। और साइड में छोटा सा नाम बहुत अच्छा लग रहा है। और अपनी गाड़ी हो चुकी है तैयार, आप देख सकते हैं आगे ये और नाम, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं करा गया, वाइजर में स्क्रैच भी हट गए, गोल्डन चोकर और पूरी बॉडी स्मोक है। और डोंट टच मेरी जान, क्योंकि ये मेरी जान है, जान से बढ़ के। बताना मेरे को कैसी लग रही है बाइक, और साइड से ज़्यादा मैंने ओवर नहीं करवाई क्योंकि ओवर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये बताना कैसा लग रहा है, वैसे तो बढ़िया लग रहा है सब कुछ,
आप बताना अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और नॉर्मल मॉडिफिकेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और जीए वाली रील्स देखने के लिए जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत प्यारी प्यारी रील्स है। फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम पे, NSB व्लॉग्स नाम से आएगी ID मेरी। और आपको मैं ये शीशे दिखाता हूँ, शीशे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे अमेज़ोन से, तो ये मेरे को इतने के पड़ गए। और शाम के टाइम आए, आपको मैं उसकी लुक दिखाता हूँ। तो ये रात के टाइम शूट कर रहा हूँ, बताना मेरे को ये शीशे कैसे लग रहे हैं। ऐसे तो बढ़िया लग रहे हैं, देख सकते हैं आप, थोड़े गंदे हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया। और ये अपना बात चमक रहा है रात में शाइन, क्योंकि इसमें रेडियम लगी हुई है। और नाम भी चमक रहा है, ये भी चमक रहा है, देख सकते हैं आप ये शीशे। ये जैसे मर्जी आप घुमा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और बिल्कुल एडजस्टेबल है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। और बताना मेरे को कैसी लग रही है, काफ़ी टाइम हो गया। और रात में तो बढ़िया लगती है, देखिए दूर से चमक रही है, थोड़ी गंदी हो रखी है, कोई बात नहीं। और मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, नीचे प्यारे से कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।